ऑलराइट गाइस, आज हम गैजेट ऑर्डर करने वाले फ्लिपकार्ट के छोटे भाई की वेबसाइट से। नहीं समझे, सॉफ्टसी फ्लिपकार्ट का ही तो छोटा भाई है वो। फ्लिपकार्ट और सॉफ्टसी का एक बार ऐप ओपन करोगे तो देखो दोनों का साइड बाय साइड आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्लिपकार्ट पे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे, बट यहीं पे सॉफ्टसी का आप लेआउट देखो, यहाँ पे अंडर 99 का स्टोर है, थोड़ा सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, काइंड ऑफ मीशो टाइप। जैसे मीशो पे आपको देखने को मिलते हैं ना, उसी तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो मोबाइल्स बाय फ्लिपकार्ट। जैसे ही आप करोगे महंगे महंगे फोन आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब ये मैंने आपको बता दिया ऐप के बारे में। अब एक प्रॉब्लम क्या है सॉफ्टसी का, आपको फ्लिपकार्ट का ऑर्डर सॉफ्टसी में दिखेगा और सॉफ्टसी का ऑर्डर आपको फ्लिपकार्ट में दिखेगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कब आ रहा है। जैसे मेरे साथ हमेशा होता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करता हूँ और सॉफ्टसी से भी, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, फिर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। चलो पॉइंट पे आते हैं और गैजेट ऑर्डर करना शुरू करते हैं। तो देखो सॉफ्टसी पे आने के बाद आपको यहाँ पे वीमेंस फैशन, मेंस फैशन, होम ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, किड एंड टॉय, फूड एंड न्यूट्रिशन, ऑटो एसेसरीज, फैशन, मतलब कि इस पर आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा, लेकिन महंगे वाले नहीं, यहाँ पे सस्ते सस्ते चीज़ मिलते हैं। तो देखो मैंने यहाँ से कुछ गैजेट्स कार्ट में लगाए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसे ऑर्डर भी करेंगे और अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे मुझे एक ब्लेंडर मिला जो 175 रुपीज़ का है और काइंड ऑफ ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। इससे कॉफ़ी वगैरह ब्लेंड कर सकते हैं एंड मस्त कैपेचिनो बनाकर पी सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसे कार्ट में लगा लिया 175 का। एक यहाँ पे TWS ईयरफोन है M19 करके है, इसमें टॉर्च जलता है, डिस्प्ले वगैरह है, मस्त यहाँ पे आइकन वगैरह दिखेगा, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। प्राइस 439 रुपया इससे लगा लिया भाई साहब हमने। इसके बाद एक DJ लाइट है जो काफ़ी मिनी सा है और बहुत ही अलग अलग प्रकार के इसमें से लाइटिंग इफेक्ट निकलता है और प्राइस 149। इसके बाद एक फ़ैन है जो पोर्टेबल फ़ैन है। ऐसे गाइस मैंने बहुत सारे फ़ैन मंगवाए थे सस्ते वाले वेबसाइट से, DIO DAP, ये 299 रुपये का था। इसके बाद एक यहाँ पे एयर कूलर है, गर्मी तो अब धीरे धीरे कम हो रही है बट अभी भी फिलहाल गर्मी है, तो अगर एक पोर्टेबल एयर कूलर मिल जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा ही, बट इसका जो प्राइस है ये 599 रुपये का है। चलो देखते हैं। एक मुझे यहाँ पे बैग लेना था, जब मैं ट्रैवलिंग वगैरह करता हूँ तो कुछ अपना सामान वगैरह रखने के लिए, लाइक कुछ छोटे मोटे चीज़ होते हैं वो रखने के लिए, इसका प्राइस 445 रुपया था, इसे मैंने कार्ट में लगा लिया। और एक यहाँ पे मुझे मिला छोटा सा स्पीकर, बट ये 3 वाट का नहीं है, ये 10 वाट का लिखा हुआ है यहाँ पे और इसका प्राइस 360 रुपया। और यही सेम प्रोडक्ट्स मैंने छोटा सा स्पीकर मीशो से किया था 200 रुपये का। अब देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है और मीशो वाला का क्वालिटी कैसा था, थोड़ा सा आइडिया भी आपको मिल जाएगा और एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा हो जाएगा कहाँ से कौन सा गैजेट ऑर्डर करें। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रुक जाओ, ऐड नहीं है कि स्किप करना शुरू कर दिए, कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गाइस अब आप ऑफिशियल इन्वेंशन डिस्ट्रॉय टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो भाई वहां पे क्या देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छे अच्छे जो डील आते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता है और निकल जाते हैं, ऐसे डील आपको वहां पे देखने मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें वहां पे रहेगा। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी पिन मैंने कर दिया, वहां जाकर ज्वाइन कर लो। और हाँ, बहुत सारे स्कैमर बैठे हुए हैं जो मेरा ही नाम यूज करके टेलीग्राम चैनल खोल रखे हैं, तो उन सबसे बच के रहना, ऐसा ना हो कि बस गिव अवे के चक्कर में बर्बाद कर दे आपको, बी केयरफुल। ओके, तो फाइनली गाइस हमने सभी गैजेट ऑर्डर कर लिए थे एंड फाइनली ये हमारे पास आ गया है। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये मैं किस लिए करता हूँ, कभी कभी क्या होता है गैजेट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर वो वीडियो आधा शूट करके रखो, फिर आफ्टर डैट आगे का पार्ट तो सही से बन नहीं पाता है, इसलिए हम गैजेट पहले ऑर्डर करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ओ ओ ओ ओ ओ, इस पर तो गिर गया, कौन सा डब्बा पहले खोलूं? अब देखो इस डब्बा को ही आप देख लो, ये फ्लिपकार्ट का पूरा डब्बा है। आप सॉफ्टसी से ऑर्डर करो या फ्लिपकार्ट से, डब्बा वगैरह सेम रहेंगे, इवन अंदर का आप सारा चीज़ देखो, ये भी कुछ सिमिलर ही है। एक बार इसे चलाकर देख लेते हैं, ये चलता भी है या नहीं चलता है। चल तो रहा है और यहाँ पे ऑन ऑफ का भी स्विच काम कर रहा है। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं, इसमें एक फ्रेग्रेंस किट डाला हुआ है जिससे काफी अच्छा सुगंध आ रहा है एयर में, एकदम फ्रेश फ्रेश सा। वाह, सच बताऊं तो मुझे ये जो फ्रेग्रेंस है ना, मुझे पर्सनली काफी पसंद आते हैं। ऐसे आप चाहो तो AAA बैटरी से भी इसे ऑपरेट कर सकते हो, इसे मस्त आप टेबल पे रख के इस तरह से यूज कर पाओगे। इसमें आपको आइस ट्रे भी मिल जाता है, तो आप आइस वगैरह डालकर और ठंडा हवा ले सकते हो। ऐसे एयर फ्लो का आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिस भी हाइट भी आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्वालिटी आप देखोगे तो डेफिनेटली जो एक लोकल सा प्रोडक्ट होता है ना प्लास्टिक का, उससे थोड़ा सा ये बेटर है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ा अच्छा मुझे ये लग रहा है। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, अब देखो ज़्यादा भी है और प्लस में ये 10 वाट का स्पीकर है गाइस। ये किस एंगल से 10 वाट का स्पीकर है आप मुझे बताओ, ये 3 वाट का स्पीकर है और पावर ऑन तो हो गया। एक्चुअल में साउंड क्वालिटी कैसा है ना, इससे पता लगेगा कि इसका क्वालिटी एक्चुअल में कितना अच्छा है। लड़की खराब,
डेफिनेटली इसका जो साउंड है बहुत ही खराब है और प्राइस भी डेढ़ गुना ज्यादा है जो हमने मीशो से मिनी स्पीकर ऑर्डर किया था। तो हाल कुछ ऐसा है सॉफ्टसी का। ओके आगे देखते हैं और कैसा हाल है। बैटरी वगैरह भी सबका काफी कम चलता है तो मेन तो साउंड था, साउंड ही बकवास था। नेक्स्ट है हमारा ये वाला। ये क्या है? अच्छा ये बैग है। वाह क्वालिटी नॉट बैड। इसे मस्त आपका सेविंग वगैरह का जो किट होता है ये इसमें आ सकता है। या ऐसे मान लो जैसे मैं एक टेक क्रिएटर हूँ तो मुझे पावर बैंक हो गया, स्मार्टफोन हो गए, या लेट सपोज मजाक कर रहा हूँ। ये जो बैग है इसका डिजाइन भी मुझे अच्छा लग रहा है एंड क्वालिटी भी काफी अच्छा है इसके फैब्रिक का है। इसका जो इसका मेन जिप है इसे जैसे आप खोलोगे तो इसके अंदर आपको एक और जिप मिल जाएंगे। इसमें नेट का यूज किया गया है। इसमें आप चाहो तो कुछ जैसे पावर बैंक वगैरह हो गया या केबल हो गया ये सब चीज़ आप इसमें रख सकते हो। इसके बाद एक बाहर के तरफ यहाँ पे पाउच है जिसमें आप चाहो तो कुछ चीज़ें और भी रख सकते हो जैसे सेविंग का ब्लेड हो गया या इस तरह के जो भी चीज़ होते हैं ये सब आप इसमें रख पाओगे और इसे आराम से लगेज वगैरह में रख दो। आपका सामान भी सेफ रहेगा और एक जगह ऑर्गेनाइज रहेगा। प्राइस भी अच्छा खासा है लेकिन क्वालिटी सच में मस्त है इसका। पैकिंग तो उस प्रोडक्ट का अभी तक तो अच्छा है। अब ये सब एक जेनरिक स्पीकर है। ओके एंड यहाँ पे कुछ इस तरह का ये ओके पूरा न्यू है ये तो। गाइस साउंड तो इसका ख़राब है नो डाउट बट यहाँ पे जो इसका क्वालिटी है जो बॉक्स है ये सब काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे जैसे आप इसमें बड्स रखोगे तो मस्त यहाँ बैटरी परसेंटेज वगैरह दिखाता है और साथ में इसमें लाइट भी जलती है। इसमें देख सकते हो इसके बड्स में रेड कलर का लाइट ब्लिंक भी हो रहा है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाता है जो सच में काफ़ी अच्छा है। इतना ही नहीं इसे आप एज ए पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हो और साथ में टॉर्च भी है। इसे आप 2 घंटे चार्ज करके लगभग आप 5 घंटे तक इससे गाना सुन सकते हो। बट ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है, बैटरी बैकअप का चांस बहुत ही कम है, ज़्यादा अच्छा होगा नहीं। तो आई रिकमेंड यू कि थोड़ा बढ़िया TWS बाय करो ना तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप वायर्ड ईयरफोन प्रीफर करो, बेस्ट साउंड क्वालिटी भी आता है उससे। अगला जो डब्बा ये फटा हुआ है लेकिन इसके पीछे का कहानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली अवध को कॉफ़ी बनाना था, उसने सोचा चलो आ गया हमारा ब्लेंडर हम इससे कॉफ़ी बनाएंगे। बस डब्बा खोला कॉफ़ी बनाना छोड़ दिया, वो हाथ से ही घुमाया कॉफ़ी को और ये रहा वो ब्लेंडर। इससे कॉफ़ी ब्लेंड हो जाएगी? अच्छा बैटरी लगाना पड़ेगा इसमें। किचन से मैं उठा लाया हूँ 1 ग्लास दूध, 1 ग्लास में थोड़ा सा चीनी रखकर, 1 कॉफ़ी का पाउच और 1 बोतल पानी और ये रहा हमारा मशीन। इससे बनाएंगे हम कॉफ़ी। आज मैं आपको रेसिपी बनाकर दिखाऊंगा कैसे कॉफ़ी बनाया जाता है। ये थोड़ा सा जल डालिए, पानी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। टाइम है इसमें, ये हमारा अगला गैजेट कॉफी बनाने के बाद का। ये तो वही फैन है जो हमने डीओ डेफ से मंगवाया था, 140 के आसपास आई थिंक या 100 रुपीज का। क्वालिटी भी पूरा का पूरा सेम है, कुछ भी चेंजेज नहीं है, जैसा होना चाहिए था वैसा ही है। अब इसमें बस ऑन करना है, हवा तो आ रहा है बट इस सब का प्रॉब्लम क्या होता है पता है, बैटरी बहुत ही कम चलता है। ऐसे दिखने में काफी क्यूट क्यूट सा लगता रहता है जैसा आप देख सकते हो एंड क्वालिटी वगैरह भी अच्छा ही है बट वही है कि इसका बैटरी काफ़ी कम चलेगा लेकिन जितना देर चलता है उतना देर अच्छा लगता है। लास्ट है हमारा ये, लाइट्स ऑफ। ओहो तो फाइनली गाइस बात करें यहाँ पे कंक्लूजन का तो देखो सॉफ्टसी का जो गैजेट है ये सस्ता है लेकिन उसी तरह का उसका क्वालिटी भी है। ऐसा नहीं है कि आपको महंगे प्रोडक्ट कम प्राइस पे वहाँ पे देखने को मिलते हैं, सस्ते सस्ते जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको सॉफ्टसी पे देखने को मिलेगा और फ्लिपकार्ट पे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस बेस्ट गैजेट का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको कोई गैजेट वगैरह बाय करना है तो एक्चुअल में। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।